रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में कार्तिक को जब से सीरत मिली है तब से कार्तिक काफी परेशान है। बार बार नारा और सीरत के बीच में कंफ्यूज हो चुका है। और वहीं कारव को लेकर गोयनका पहुंच जाता है, जहां कारव घर के सभी सदस्यों से मिलता है और कार्तिक सदमे में रहता है और किसी से बात ना करके सीधा कमरे में चला जाता है, जहां कारव और कार्तिक की बातचीत होती है। कार्तिक कारव को समझाएगा कि तुम्हारी मम्मा स्टार बन गई हैं, उन्हें एंजल लेकर चले गए हैं, अब वो वापस कभी नहीं आएगी। लेकिन वो अपने अंदर के तूफान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सीरत को बार बार याद कर रहा है। तो सीरत की इन्वेस्टिगेशन करने वाला है कार्तिक, जिसकी खबर हम आपको दे दें कि कार्तिक के हाथों एक ब्रेसलेट लगा है जो परी वाला ब्रेसलेट है और वो सीरत का है। और इस ब्रेसलेट को देखकर नैतिक के होश उड़ेंगे, जहां कार्तिक के हाथों में ये ब्रेसलेट देखकर नैतिक खुलासा करने वाला है। तो क्या ये ब्रेसलेट ही सबसे बड़ा सच सामने लेकर आएगा? क्या नायरा, सीरत और ब्रेसलेट तीनों का कोई तगड़ा कनेक्शन है? सवाल कई हैं, जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।